जल्द अपनाएं लाल किताब के वास्तु टिप्स, चुंबक की तरह खींचा आएगा पैसा। लाल किताब का ज्योतिष शास्त्र में काफी ज्यादा महत्व बताया गया है। इस किताब में कई ऐसे उपाय दिए गए हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन की परेशानियों को खत्म कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में काफी ज्यादा परेशानियां आ रही हैं या फिर आपकी नौकरी में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं और आपके पास धन की कमी है, तो आप उनसे छुटकारा पाने के लिए और तरक्की पाने के लिए लाल किताब में दिए गए कुछ उपाय कर सकते हैं। लाल किताब के आसान उपाय करने से आपके जीवन में आ रही सभी परेशानियां खत्म तो होगी ही, साथ ही सफलता भी आपके कदम छूने लगेगी। आज हम आपको कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उन उपायों के बारे में। नंबर एक, तांबे का कड़ा दाहिनी कलाई में धारण करें। नंबर दो, किसी मंगलवार को एक छोटी शीशी में शहद भरकर एकांत स्थान में ले जाकर गाड़ दें। नंबर तीन, घर में रखें अस्त्र शास्त्रों में जंग न लगने पावे, इसके लिए उसे समय समय पर विशेष कर मंगलवार को उनकी अच्छी तरह सफाई करें। नंबर चार, चांदी का कड़ा बनवाकर उसमें तांबे की नौ कील लगवाएं और मंगलवार को उसे विधिपूर्वक दाहिने हाथ में पहने। नंबर पाँच, शुक्रवार को देवी माँ लक्ष्मी का दिन माना जाता है। इस दिन किसी ताले की दुकान पर जाकर बिना खोले ही एक ताला खरीद लें। इस ताले को रात को बंद करके सोएं। सुबह स्नान करने के बाद ताले को किसी मंदिर में रख दें। लौटते समय पीछे मुड़कर न देखें। ऐसा माना जाता है कि जब भी कोई उस ताले को खोलेगा तो आपकी किस्मत का ताला भी खुल जाएगा। नंबर छह, हनुमान जी के मंदिर में जाकर लाल रंग की मिठाई मंगलवार को अर्पित करें और प्रसाद बांटें। नंबर सात, घर में सदैव किसी ढक्कनदार पात्र में गंगाजल अवश्य रखें। नंबर आठ, घर में आटा पीसने की चक्की रखें और उसको प्रयोग में ले। नंबर नौ, दूध से भरी बोतल मनोकामना सहित एकांत स्थान में जमीन में गाड़ दें। नंबर दस, दरवाजे पर लाल पीले खुशबूदार फूलों के पौधे लगाएं। नंबर ग्यारह, घर में कम से कम घी का एक दीपक शाम के अवश्य जलाएं। नंबर बारह, नहाते समय किसी लकड़ी के पाते या चौकी पर बैठकर नहीं, जमीन पर या पक्के पर बैठे। नंबर तेरह, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में सोने की अंगूठी धारण करें। नंबर चौदह, कान छिदवाकर उसमें सोने के कुंडल धारण करें। नंबर पंद्रह, काली चींटियों को चीनी मिश्रित आटा खिलाएं। नंबर सोलह, पैरों के दोनों अंगूठों में चांदी का छल्ला पहन कर रहें। नंबर सत्रह, शास्त्रों के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के जीवन में धन संबंधी परेशानियां हो रही हैं, तो इसके लिए घर के मुखिया को घर की रसोई में खाना खाना चाहिए। साथ ही हमेशा अपने माथे पर सफेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए। कहते हैं इससे लक्ष्मी माँ की कृपा रहेगी। नंबर 18, लाल किताब के अनुसार अगर कोई व्यक्ति जीवन में देवी लक्ष्मी की कृपा चाहता है, तो हर शुक्रवार के दिन जरूरतमंदों को आलू का दान करें और पूरे मन से श्री सूक्तम मंत्र का जाप करें। इससे व्यक्ति के जीवन में धन की हानि कम होने लगेगी। नंबर 19, लाल किताब के अनुसार जीवन में धन की हानि को रोकने के लिए नौ कन्याओं को हरे रंग का रुमाल बांटें। साथ ही रात को सोते वक्त पलंग के नीचे सिरहाने की तरफ किसी बर्तन में जौ भरकर रखें और सुबह उसे किसी जानवर को खिला दें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। नंबर 20, लाल किताब के टोटके अनुसार यदि कोई व्यक्ति या उसका परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा है,
तो विशेष रूप से शनिवार, मंगलवार या रविवार के दिन 7 बादाम और 8 काजल की डिब्बी लें। इसे एक काले कपड़े में बांधकर एक डिब्बे में रख दें। ऐसा करने से धीरे धीरे आपकी धन संबंधी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।